ट्राई सिटी यानी कि चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला, जहां पर जुआ, सट्टा, अवैध शराब और नशीले पदार्थ का काला कारोबार न जाने किसकी शह से धड़ल्ले पर चल रहा है। पंजाब केसरी की क्राइम टीम ने पहले पंचकुला में चल रहे अवैध काले कारोबार का खुलासा किया, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने खाना पूर्ति के लिए मामले भी दर्ज किए। हालांकि इस कारोबार पर इक्का दुक्का ही मामले दर्ज हुए और कुछ समय के लिए काला कारोबार पुलिस ने बंद भी करवाया, लेकिन जैसे ही मामला थोड़ा ठंडा हुआ, काले कारोबारी फिर से सक्रिय हो गए। पुलिस को छोड़ सबको है काले कारोबारियों की भनक। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चंडीगढ़ और पंचकुला के उस क्षेत्र की, जहाँ एक तरफ तो चंडीगढ़ पुलिस का थाना है, वहीं दूसरी तरफ पंचकुला पुलिस का। इसके बीचों बीच बनी है पंचकुला की राजीव कॉलोनी। इसी राजीव कॉलोनी में है हैप्पी गली, जहाँ एक घर में सट्टा, जुआ, शराब और चरस गांजा काफी लंबे समय से बेचा जा रहा है। हैरानी की बात तो ये है कि इस बात की भनक पंजाब केसरी की क्राइम टीम को तो लग गई, लेकिन पंचकुला पुलिस को नहीं। आइए अब हम आपको दिखाते हैं ये काला कारोबार कहाँ चल रहा है और कौन कौन किस तरीके से ये कारोबार लोगों को गुमराह कर उनके पैसे लूट रहा है। खुफिया कैमरों में कैद हुई लाइव तस्वीरें। घर में चल रहे इस अवैध कारोबार का जब पंजाब केसरी की क्राइम टीम को पता चला, तो टीम मौके पर जा पहुंची जहां ये कारोबार चल रहा था। सुनसान सी गली और गली के साथ एक कमरा जहां टेबल कुर्सियां रखी हुई हैं और सामने बैठे व्यक्ति एक हाथ से सट्टे की पर्ची लिख दूसरे हाथ से पैसे बटोर गुल्लक में डाल रहा था। इतना ही नहीं, लोग 10 का 100 बनाने के चक्कर में अपने रोज की कमाई लुटाने यहां पहुंचते हैं और लुट कर जाते भी हैं। इतना नहीं, ऑनलाइन लॉटरी, गुड़गुड़ी, मस्कली, चरखी आदि का धंधा भी धड़ल्ले से चल रहा है। बिकता है हर तरह का नशा। हैरानी की बात तो यह है कि उसी कमरे से बाहर निकलते ही साथ में बैठा एक व्यक्ति ग्राहकों को हर तरह का नशा बेच रहा है। सड़क के दोनों तरफ पुलिस तैनात है, लेकिन उसके बावजूद कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर पुलिस ने कार्रवाई की भी तो कारिंदों पर मामला दर्ज कर उन्हें जमानत पर रिहा कर देती है, जिससे इन काले कारोबारियों के हौसले बुलंद हो रखे हैं, जिसके कारण इतनी मात्रा में चरस, गांजा, अफीम और चिट्टा सरेआम शहर में बिक रहा है। इन्हें ना तो पुलिस का खौफ है, ना ही कैमरे का डर, जिसके बाद हमारी टीम ने सारा मंजर अपने कैमरे में कैद किया और वहां से चल पड़ी। लंबे समय से चल रहा अवैध कारोबार। हैरानी की बात तो ये है कि राजीव कॉलोनी की हैप्पी वाली गली में यह कैसीनो और अवैध नशे का काला कारोबार काफी लंबे समय से चलता आ रहा है, क्योंकि आसपास के लोग इससे काफी परेशान हैं और हर वक्त यहां पर लोगों की आवाजाही लगी रहती है। लोग नशा खरीदने के बाद उसे घर के बाहर खड़े होकर पीते हैं। कब खुलेगी पुलिस की कुपकर्णिनी? हैरानी की बात तो यह है कि पंचकुला में ऐसे कई थाना क्षेत्र हैं जहां पर शराब, जुआ, सट्टा और अवैध नशे का काला कारोबार चल रहा है, जिसके बारे में पुलिस जानती भी है, लेकिन ना जाने किन कारणों से उन पर कार्रवाई नहीं होती। यूं तो इक्का दुक्का पर कार्रवाई कर पुलिस अपनी खाना पूर्ति कर लेती है, लेकिन बता दें कि पंचकुला में भी कई ऐसी खुफिया एजेंसियां हैं जिन पर नकेल कसने के लिए बनाई गई हैं। ना जाने उन खुफिया एजेंसियों को भी क्या हो गया है। क्या कहा थाना प्रभारी ने फोन पर? पंचकुला सेक्टर 14 थाना प्रभारी राजीव मिगलानी से जब फोन पर संपर्क साधा गया और राजीव कॉलोनी में चल रहे अवैध कारोबार के बारे में बताया गया, तो उनका कहना है कि आए दिन हमारी टीम सर्च करती है, अब तक कई मामले दर्ज किए जा चुके हैं। सर, राजीव कॉलोनी आपके ही क्षेत्र में आती है ना, थाना क्षेत्र में? सर, वहाँ पर जुआ, सट्टा यानी कि मसकली सब कुछ चल रहा है, और यहाँ तक कि जो चरस और गांजा भी बेचा जा रहा है शरेआम। अच्छा अच्छा जी, हमारी रेगुलर रेड चल रही है जी, और हमने लगभग पिछले 2 महीने में 25 से 30 मुकदमे दर्ज किए हैं गैंगिंग एक्ट के और एक्साइज एक्ट, और अभी भी लगातार ये कार्रवाई चलती है। तो सर, जिस तरह से अभी लाइव तस्वीरें हमारे पास मेरे को भेजिए, आप लाइव तस्वीरें भेजिए जी, मैं चेक करवाता हूँ इनको। जी सर, जी सर। हर बार पुलिस की आंखों में धूल झोंक जाते हैं काले कारोबारी। हैरानी की बात तो ये है कि जिस जगह पर ये काला कारोबार चल रहा है वहां पर पुलिस कर्मी भी जाते हैं, लेकिन ना जाने उन्हें क्यों नहीं दिखता। पता चलने पर पुलिस खाना पूर्ति करके चली जाती है। इससे साफ जाहिर होता है कि ना जाने काले कारोबारी पुलिस की आंखों में ऐसा कौन सा आई ड्रॉप डालते हैं जिससे उन्हें काले कारोबारी दिखते ही नहीं।
बहरहाल पंजाब केसरी की क्राइम टीम ने काफी लंबे समय से चले इस काले कारोबार का खुलासा तो कर दिया। अब देखना ये होगा कि क्या थाना पुलिस इस पर नकेल कस पाएगी या अवैध धंधे को बंद करेगी या फिर खाना पूर्ति के लिए मामला दर्ज कर अधिकारियों को आंखों में धूल झोंक देगी। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट।